अगले लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड देखेंगे, राइट। डाइवर्सिटी मींस व्हाट, कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे आसपास जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल, ह्यूमन बींग, देर आर ऑल डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, राइट। शेप, साइज, बिहेवियर, लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वॉट, द लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज, बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल, दैट इज वाई दे it is known as biodiversity, right? There are many species discovered by many botanists, zoologists. There are no species available right now, that is 1.7 to 1.8 million. Still, rest species are unknown, right? अभी बहुत सारे species ऐसी हैं जो unknown है, discover करनी बाकी है। So उसका ऑलमोस्ट फिगर है 5.50 lakhs, सिर्फ 5 to 50 lakhs जो स्पीसीज है वो अभी अननोन है, राइट। दूसरा कि ऑल ओवर जो वर्ल्ड होता है उसमें अलग अलग नेम को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड लोकल नेम, राइट। हालोल में क्रॉ को, या फिर गुजरात में क्रॉ को, या फिर रेड को, या फिर मैंगो को अलग नाम से बुलाया जाता है, महाराष्ट्र में अलग नाम से बुलाया जाता है, यूपी में अलग नाम से बुलाया जाता है, इवन पाकिस्तान में अलग नाम से बुलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड लोकल नेम। सभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लोकल नेम से जानते हैं, राइट। बट वर्ल्ड वाइड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम होना जरूरी है, दैट इज वाई हमको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। तो नॉमेनक्लेचर मींस व्हाट, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हम जो नेमिंग करते हैं, दैट इज फॉर नॉमेनक्लेचर। आपको बताएं कि हम कौन होते हैं, तब भी हमारा नॉमेनक्लेचर करते हैं, हमारा नाम जो कोई होती है वो पढ़ते हैं, राइट। सो नॉमेनक्लेचर मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अब उसके हिसाब से ही हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, हम नेम रखते हैं उससे ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आदमी क्या है, राइट। सो आइडेंटिफिकेशन मीन्स व्हाट, कि किसी भी आदमी का जो नॉमेनक्लेचर हुआ है उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तो ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिश की बात करें तो फिश में वो क्या है, उनका जो इकोसिस्टम होता है वो मराइन इकोसिस्टम होता है, राइट। सो उनका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हुआ वो, तो आइडेंटिफिकेशन इज नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली, राइट। उसका डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड, कि हमको पता होना चाहिए कि हमको ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सा नेम अटैच करना है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। क्लियर नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन समझ में आई, राइट। दूसरा कि ये जो स्टडी है नॉमेनक्लेचर की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, उसको थोड़ा इजी करने के लिए बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट ने ऐसे डिस्कवरी की कि सब इंस्टीट्यूट होते हैं उसके रूल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर कर सके तो अच्छा क्लासिफिकेशन करने में इजी रहेगा, दैट इज वाई ये दो इंस्टीट्यूट है उसके रूल्स और उसके प्रिंसिपल के हिसाब से ही नॉमेनक्लेचर किया जाता है। ICBN, that is code for botanical, इसके प्लांट के हिसाब से प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर करना है वो इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से करते हैं, और एनिमल का जो नॉमेनक्लेचर करना होता है वो इस इंस्टीट्यूट के रूल्स और प्रिंसिपल के हिसाब से किया जाता है। तो ICBN और ICZN का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ICBN इज वॉट, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, राइट। तो ये हो गया
बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जेड इज जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ये दो इंस्टीट्यूट है उसके हिसाब से प्लांट और एनिमल का नोमेनक्लेचर होता है, राइट। दूसरा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मींस व्हाट, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में सरनेम, नेम और पापा का नेम आता है, राइट। तो सेम वे साइंटिफिक नेम में भी दो नेम होते हैं, राइट, और वो दो नेम वाली जो मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और वो एक साइंटिस्ट ने दी थी वो सिस्टम, दैट इज कॉल्ड, वो साइंटिस्ट का नेम है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस करके एक साइंटिस्ट था, उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की मेथड दी थी। और वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम होते हैं, फर्स्ट इज जीनेरिक नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट। जीनेरिक मींस जीनस का नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मींस स्पीसीज का नेम, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जीनस, उसके एग्जाम्पल में हम ले कि जीनेरिक नाम कैसे किसको बोल सकते हैं, तो हम मैंगो का साइंटिफिक नेम लेते हैं मेंजिफेरा इंडिका, राइट। तो ये फर्स्ट नेम है दैट इज कॉल्ड जीनस और जीनेरिक नेम, और सेकेंड नेम है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज नेम, राइट। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्यों बनाए, क्योंकि मैंने बोला कि वर्ल्ड वाइड कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, जिससे हम कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाए तो उस नाम को हम पहचान सके। फॉर एग्जाम्पल मैंगो को यहाँ गुजरात में अलग नाम से बुलाया जाए और यूएस में अलग नाम से बुलाया जाए, राइट, ब्रिटेन में अलग नाम से बुलाया जाए तो हम डिफिकल्टी हो सकती है। दैट इज वाई वर्ल्ड वाइड कोई भी साइंटिफिक नेम एक ही होना चाहिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, राइट। तो फर्स्ट रूल्स क्या है कि ये जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज में से है, दैट इज वाई नोमेनक्लेचर रिटन बाय लैटिन, राइट। सेकेंड रूल्स, फर्स्ट लेटर दैट इज कोड फॉर जीनस एंड सेकेंड लेटर दैट सेकेंड वर्ड दैट इज कोड फॉर स्पीसीज, राइट। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम नाम लिखे तो फर्स्ट जो वर्ड होता है दैट इज कोड जीनस एंड सेकेंड नेम दैट इज कोड स्पीसीज। थर्ड रूल्स, जीनस का फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर एंड स्पीसीज का फर्स्ट लेटर रिटन बाय स्मॉल लेटर, राइट। फोर्थ कि हम अगर इस नेम को कंप्यूटराइज मीन के कंप्यूटर में लिख रहे हैं तो हमको इटैलिक लेटर में लिखना है, और अगर हम बोर्ड पर रिटन लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करना, राइट। ये फोर्थ रूल्स है। और लास्ट रूल्स कि फॉर एग्जांपल कोई भी साइंटिफिक नेम हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिख रहे हैं तो नेम के बाद, साइंटिफिक नेम के बाद उस साइंटिस्ट को जिसने डिस्कवर किया है उस साइंटिस्ट को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लिख रहे हैं उसने कैरोलस लीनियस को डिस्कवर किया, तो दैट इज व्हाई लीनियस का जो ये पार्ट है वो यहाँ हमने लिखा। तो ये हो गए यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ये रूल्स आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, सो अच्छे से याद रखना। आई होप कि आपको इस लेक्चर में समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, जीनस या